अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू बच्चों के लिए तीसरा हिस्सा किताब का सफ़ा नंबर 48 और सफ़ा नंबर 49 पढ़ेंगे। बच्चों, इस सफ़े पर हम कुछ चार हरफी अल्फाज बनाएंगे। ये देखिए, ये है खा और ये है मी और ये बना खामी। एक बार फिर सुने बच्चों, खा मी खामी। शाबाश। अब बच्चों मेरे साथ मिलकर बोलें, खा मी खामी। शाबाश बच्चों। एक बार फिर कहें, खा मी खामी। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह ये है खा की खाकी। शाबाश बच्चों। ये देखिए, ये है खा और ये है की और ये है खाकी। शाबाश। एक बार फिर कहें बच्चों, खा की खाकी। वेरी गुड बच्चों। ये है खा ली खाली। वेरी गुड। एक बार फिर कहें बच्चों, खा ली खाली। शाबाश बच्चों। इसी तरह से ये है दा और ये है दी और ये है दादी। एक बार फिर सुने बच्चों, दा दी दादी। शाबाश। एक बार फिर कहें, दा दी दादी। वेरी गुड। इसी तरह ये है डा ली डाली। शाबाश। एक बार फिर कहें बच्चों, डा ली डाली। वेरी गुड। और ये है रा नी रानी। शाबाश। एक बार फिर कहें बच्चों, रा नी रानी। वेरी गुड बच्चों। अब हम इन लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे। ये है खामी, खाकी, खाली, दादी, डाली, रानी। एक बार फिर सुने बच्चों, खामी, खाकी, खाली, दादी, डाली, रानी। शाबाश बच्चों। अब आपने इन लफ्ज़ों के ऊपर यहाँ पर पेंसिल फेरनी है और आगे खाली जगह पर आपने लफ्ज़ों को खुद से लिखना है। बच्चों, यह है सफ़ा नंबर 49 और सफ़ा नंबर 49 के ऊपर भी हम कुछ चार हरफी अल्फाज बनाएंगे। बच्चों ये देखिए, ये है सा और ये है री और ये बना सारी। एक बार फिर सुने, सा री सारी। शाबाश। एक बार फिर सुने बच्चों, सा री सारी। वेरी गुड। अब बच्चों मेरे साथ मिलकर बोलें, सा री सारी। शाबाश। एक बार फिर कहें, सा री सारी। शाबाश। इसी तरह बच्चों, ये है सा और ये है दी और ये है सादी। शाबाश। एक बार फिर कहें, सा दी सादी। शाबाश। इसी तरह बच्चों, ये है शा और ये है दी और ये है शादी। एक बार फिर सुने, शा दी शादी। शाबाश। अब बच्चों मेरे साथ मिलकर बोलें, शा दी शादी। शाबाश बच्चों। इसी तरह से ये है आ शी आशी। एक बार फिर सुने, आ शी आशी। शाबाश बच्चों। मेरे साथ मिलकर बोलें, आ शी आशी। एक बार फिर कहें, आ शी आशी। वेरी गुड बच्चों। ये है आ ली आली। एक बार फिर सुने बच्चों, आ ली आली। वेरी गुड। शाबाश बच्चों। इसी तरह से ये है गा डी गाड़ी। शाबाश बच्चों। एक बार फिर सुने, गा री गाड़ी। शाबाश।